आ गया है यार, आ गया, रेडी हूँ मैं भी। हाँ जी, फिर नाश्ता अंडा। हम क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? क्या आज फिर अंडा जल गया? अंडा बनाना तो आ गया है मुझे, कल भी तो सही बनाया था। कल? हाँ बेहतर था। वैसे सच कहूं, ऐसा ऐसा ना तुम्हारा हाथ साफ हो ही जाए। क्या हो गया यार, इतनी फीकी सी मुस्कुराहट? कुछ सीरियस बात है, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो। मम्मी का फोन आया था मुझे फराज। अच्छा जी, तो ये टेंशन है आपको? और अम्मी ने पूछा होगा कि फराज उठा नहीं उठा, नाश्ता किया नहीं किया, है ना? फराज, आपकी अम्मी का नहीं, मेरी अम्मी का फोन आया था। तुम्हारी? अच्छा जी, तो ये टेंशन मेरी अम्मी की नहीं बल्कि मेरी सासू माँ की है, जो उन्होंने तुम्हें दी है। बस वो बता रही थी कि अबू की तबीयत ठीक नहीं है, पूरी रात हॉस्पिटल में थे। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ, कैसी तबीयत है बनकी? ब्लड प्रेशर हाई हो गया था उनका, अब तबीयत कैसी है तो जाकर ही पता लगेगा। इसका मतलब मुझे अपनी सासू माँ को फोन करके कहना पड़ेगा कि मेरे ससुर साहब को टेंशन कम दिया करें प्लीज, है ना? मेरी टेंशन लेते हैं फराज, इकलौता होने के फायदे कम नुकसान ज्यादा हैं। हाँ जी, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम सात बहन भाई, कौन कब कहाँ क्या कर रहा है किसी को कुछ पता भी नहीं होता। फराज, हर बात पे मजाक करना जरूरी होता है क्या? अरे यार, मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक करना चाहता हूँ। I'm sorry। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम बस चेंज कर लो तो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप तो आप कर ही देंगे, ये बताएं वापस कब लेने आएंगे मुझे? जब तुम कहोगी। बल्कि शुमैला, मैं कह रहा हूँ कि दो चार दिन रुक जाओ उनके पास, अच्छा होगा ना कि उनका ख्याल रख सकोगी, उनके सामने रहो। नहीं, रात को मुझे वापस घर आना है। क्यों जी, मुझ पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं।